কেৰেক্টাৰ কোন আপোনাৰ মাৰ্ভেলৰ? মাৰ্ভেলৰ মোৰ ফেভৰেট কেৰেক্টাৰ একুৱামেন। একুৱামেন ইজ এপিক। কুচ ভি কুচ ভি सो वेल गाइस, कैसे हो आप सब? बेशक आपने डीसी की एक्वामैन जरूर देखी होगी, देखी है ना? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और अगर नहीं देखी है तो मेरी मूवीज एक्सप्लेन वाली प्लेलिस्ट में जाकर 10 मिनट में पूरी मूवी समझो। टूटता है दोस्तों। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्वामैन का ट्राइडेंट कितना ज्यादा पावरफुल है। सो मिस्टर फ्लेम से मैं हूं अनुभव, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। फैक्ट, इससे भी पावरफुल ट्राइडेंट हमारे लॉर्ड शिवा के पास है। ट्राइडेंट ऑफ एटलैंट, जिसे सैकर ट्राइडेंट के नाम से भी जाना जाता है, ये काफी पुराना एटलांटियन रेलिक यानी अवशेष है, जिसे सबसे पहले एटलांटिस के किंग एटलन ने वील्ड किया था। और एटलन ने ही इस ट्राइडेंट को बनाया भी था। जब एटलन नहीं रहे तो ये ट्राइडेंट किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसीलिए इसको समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया गया। और कोरेथेन, जिसका नाम मैं सही से नहीं बोल रहा हूँ, उस क्रिएचर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो इस ट्राइडेंट की रक्षा करे जब तक कोई ट्रू एटलांटियन नहीं आ जाता। अब ये कहा जाता है कि ये अंडरवाटर मिथिकल सी क्रिएचर अर्थ के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सी क्रिएचर में से एक है, और इसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ है। हिस्ट्री, इस ट्राइडेंट को स्टील ऑफ पोसाइडन से किंगडम ऑफ डिजर्टर्स में फोर्ज करके बनाया गया था। कुछ जगहों पर यह भी मेंशन किया गया है कि एटलन ने ट्राइडेंट का यूज हिडन सी में कोरेथन को कैद करने के लिए किया था। एक दिन एटलन अपने ट्राइडेंट से एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। अब यहाँ आप ट्राइडेंट की ताकत को देख सकते हो, जिसकी एक पावरफुल वेव ने एटलांटिस को ओशियन की गहराइयों में ढा दिया। फिर आगे अपनी माँ के दिए हुए ट्राइडेंट के टूटने की वजह से आर्थर ट्रेवल करता है हिडन सी में, और वहाँ उसे मिलता है एटलन का ट्राइडेंट। खैर, जितना आसान ये बोलने में लग रहा है उतना आसान ये था नहीं, क्योंकि ट्राइडेंट को वील्ड करने से पहले आपको कोरेथन को खुद को प्रूव करना पड़ेगा। अब क्योंकि आर्थर के पास सी एनिमल से कांटेक्ट करने की पावर है, तो एटलन के बाद वही एक ऐसा इंसान था जो कि कोरेथन से कांटेक्ट कर पाया, और जो उस ट्राइडेंट को होल्ड करेगा कोरेथन उसकी गुलाम बन जाएगी, या फिर आप ये कह सकते हो कि उसके पास रहेगी। आगे इसी ट्राइडेंट की मदद से एक्वामैन ने बैटल ऑफ ब्राइन जीता। इस ट्राइडेंट पर एक तरह का एन्चेंटमेंट किया हुआ था, जो भी इस ट्राइडेंट के काबिल होगा वही किंग एटलन के हाथों से इस ट्राइडेंट को निकाल पाएगा। यही ट्राइडेंट एक्वामैन को पावर देती है वाटर मैनिपुलेशन की, साथ ही में वो इसी ट्राइडेंट की मदद से वर्पूल्स और टाइडल वेव्स को भी बना सकता है। रिसेंटली डीसी की रीबर्थ स्टोरी लाइन में ट्राइडेंट की नई पावर्स रिवील की गई, जो थी हीलिंग एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्राइडेंट खुद को हील कर लेगा, बल्कि ये अपनी मिस्टिकल पावर्स से एक्वामैन की पावर्स और ओवरऑल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देती है। अगर हम एक्वामैन मूवी की बात करें तो हमें ट्राइडेंट की सारी पावर्स नहीं दिखाई गई, बट कॉमिक्स में ये ट्राइडेंट बहुत कुछ कर चुका है। इसी के साथ ये ट्राइडेंट बड़े बड़ों को हरा भी चुका है। इस ट्राइडेंट से वेदर मैनिपुलेशन, मिस्टिकल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन मतलब किसी भी इल्यूजन को तोड़ना, और एक्वामैन ने इसी ट्राइडेंट से जस्टिस लीग वॉल्यूम 2 के इश्यू 6 में डार्क साइड से फाइट के दौरान अपने इसी ट्राइडेंट को डार्क साइड की छाती पे मार दिया था। हीरोज को अपने वेपन्स छाती पे मारने में क्या मजा आता है। इन्हीं सब चीजों के साथ ये ट्राइडेंट एक्वामैन को टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स देती है। बट टेलीपोर्टेशन करना ही क्यों है, क्योंकि एक्वामैन वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है, और अर्थ का 71% सरफेस वाटर से ही तो भरा है। बट यहाँ पर टेलीपोर्टेशन पावर इसलिए रखी गई है ताकि लाइट ईयर्स दूर आप किसी भी प्लैनेट में ट्रेवल कर सको, आप नहीं एक्वामैन। एक्वामैन के इशू 47 में इस ट्राइडेंट की एक गजब की पावर देखने को मिली। वहां पे इस ट्राइडेंट ने एक लाइटनिंग ब्लास्ट को समन किया था, बट पानी के अंदर लाइटनिंग। और एक्वामैन का यही ट्राइडेंट इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सुपरमैन जैसे कैरेक्टर जिसकी फुल एबिलिटी अभी तक दिखाई ही नहीं गई उसको बीट कर सकता है। साथ ही में यही ट्राइडेंट कई बार प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो आपको हमारी ट्राइडेंट पर ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो काफी ज्यादा डिटेल थी और हमने सारे फैक्ट्स को इस वीडियो में डाल रखा था। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी एंटरटेन हुए हो या फिर आपको कुछ नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और लाइक तो कर ही देना, कमेंट तो कर ही दिया होगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। इट्स मिस्टर फ्लेम साइनिंग ऑफ। म्यूजिक